बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सब फैंस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और बहुत अरसे के बाद जो है वो व्लॉग बना रही हूँ, वो भी बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके। वैसे मैं बहुत प्राइवेट हूँ इन बातों के मामले में, और मुझे लगता है ये बड़ी पर्सनल सा टाइम होता है और बड़ा प्राइवेट सा टाइम होता है जिसको लोग बहुत शो ऑफ कर रहे होते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जिससे नज़र भी लगती है। पता नहीं, मे बी आई एम ओल्ड फैशन बट आई एम लाइक दैट। बट आज मुझे बड़ी हिम्मत हो के मैंने ये सोचा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि उन ख़वातीन के लिए और किस तरह से क्या मैं गो थ्रू कर रही हूँ या हम क्या गो थ्रू करती हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग जी, और एक वीक रह गया है इंशाल्लाह मेरी डिलीवरी में। और मैं ये वाला व्लॉग जो है आफ्टर द बेबी विल डिलीवर, और मैं जब आप लोगों को न्यूज़ ब्रेक कर दूँगी उसके बाद मैं ये अपलोड करूँगी। बट आई रियली वॉन्टेड कि इस टाइम मैं ज़रूर ये व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि हमें बहुत चेरिश करना चाहिए उन तमाम ख़वातीन को जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली दिस इज़ माई थर्ड चाइल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, बट हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है फॉर न्यू मॉम्स। स्पेशली फॉर न्यू मॉम्स इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत सरप्राइजेज होते हैं, आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। पर इस थ्रू आउट इस टाइम में आप देख रहे होंगे मेरी सांस भी चढ़ रही है, मुझे बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, बिकॉज ऑलमोस्ट 39 वीक्स हो गए हैं। सो बेबी इज़ फुल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब बड़ा है बेबी का साइज़, कंप्लीट है ऑलमोस्ट। किसी वक्त भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया में तशरीफ़ ला सकता है बेबी। बट ये टाइम जो है ना, ये औरत के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यू नो, आप इमोशनल होते हैं, आप एग्जॉस्टेड होते हैं, और इस टाइम पे आपको ये ख्याल आता है कि माँ जो है वो क्या चीज़ है। हम अपनी माँ का हक नहीं अदा कर सकते, एक दिन का भी नहीं कर सकते। आप देखिए, वो एक पेट में अगर आपको कोई स्टमक अपसेट हो या कुछ किडनी स्टोन हो जाते हैं लोगों को, या कोई भी पेट में कोई प्रॉब्लम हो तो बर्दाश्त नहीं होती। बट एक माँ 9 महीने एक औलाद को अपने पेट में पालती है, वो क्या पालती है, अल्लाह पालता है, लेकिन हिम्मत अल्लाह उसको अता फरमाता है। और मैं हमेशा ये मुझे सोचा करती थी हमेशा कि मतलब इन दीन भी आप देखें तो इस्लाम में भी अल्लाह ने मर्द का दर्जा अफजल रखा है, और मर्द को बहुत सारी चीज़ें मतलब प्रायोरिटी है, औरत से अफजल है हर चीज़ में दीन में, मतलब उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं मुझे लगता था। लेकिन इस प्रेगनेंसी में मुझे बहुत सारे जवाब भी मिले इसी तरह से कि नहीं, अल्लाह ताला ने औरत को चुना, औलाद मतलब एक ज़िंदगी को जन्म देने के लिए, पैदा करने के लिए। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर, बड़ी नेमत है। और आई मीन हमें बहुत बहुत शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए, प्लस तमाम ख़वातीन का जो है वो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बड़ा ही डिफ़िकल्ट टाइम है। मैं आपको बताऊँ, रात को ख़वातीन जो हैं वो उनके लिए सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, जागना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोना तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, जैसे लाइक कुछ आपकी स्टमक बड़ी होती है, बेबी का साइज ऐसा होता है, साइड यू कॉन्ट स्लीप ऑन योर बैक, यू कॉन्ट स्लीप ऑन योर साइड्स, बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। थोड़ा सा खाते हैं तो आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। फिर जो मदर्स हैं, मदर्स जो बेचारी हैं जिनकी पहले बच्चे हैं, ओबियसली वो भी डिमांडिंग होता है, वो बच्चों के साथ का भी ख्याल रखना होता है। जैसे मेरे साथ ये होता है कि मुझे सारी रात जो है ना मुझे नींद नहीं आती, बिकॉज किसी कोई भी पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है जिसमें मैं सो सकूं। और दिन में जो है वो बच्चे ओबियसली बानो है, शी इज 3 ईयर्स ओल्ड, फातिमा इज 10, तो उनको टाइम देना होता है, उनको अपना टाइम चाहिए।
और वैसे भी इतनी स्टमक में इतनी ज़्यादा मतलब वेट है स्टमक का कि अब नींद नहीं आती। स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी में आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, आपका दिल खराब होता है, आपको वॉमिटिंग हो रही होती है। तो मतलब सारा पॉइंट जो ये कहने का ये है कि इस टाइम पे प्लीज़ हस्बैंड्स को भी चाहिए अपनी बीवियों का बहुत ख्याल रखें, फैमिली को चाहिए कि उस औरत का बहुत ख्याल रखें जो एक ज़िंदगी को इस दुनिया में ला रही है। क्योंकि तो आप वैसे बहुत वॉन्डरेबल हुए होते हैं, आप बहुत ही सेंसिटिव भी हुए होते हैं और अब बहुत ज़्यादा तकलीफ मतलब मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। आई एम श्योर जितनी माएँ हैं जो एक्सपेक्ट करी हैं या जो इस प्रोसेस से गो थ्रू हुई हैं उनको वो समझ सकती हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद अभी तो ये आपका होता है कि जी अभी ये दिन रह गए हैं, अब नाउ आई एम काउंटिंग डेज, 8 days लेफ्ट, और उसके बाद ठीक है जी यू यू गेट ओवर दिस प्रोसेस एंड देन द पोस्टमार्टम जो है डिप्रेशन या फिर पोस्टमार्टम रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो एक अलग प्रोसेस है। आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट बहुत थक गई हूँ मैं, और थक जाता है इंसान, थक जाता है और रोना भी आता है। आप टाइम्स रातों को उठ के अकेले रोते हैं कि उफ बर्दाश्त नहीं हो रहा, यू मिस योर पेरेंट्स, और बस वक्त अल्लाह ही आपके साथ है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी मेरी फैमिली इज़ बीइंग वेरी बिग सपोर्ट, मैं बहुत लाडली हूँ, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं मेरे घर वाले, मेरा हस्बैंड, मेरी बहनें, मेरी बहन मतलब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चे। बट आई वंडर जिनके पास सपोर्ट नहीं होती और जो अकेली माएँ हैं जो परदेस में रहती हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सो ये टाइम जो है ना ये पता नहीं भूल भी जाता है आपको, यू नो दिस इज, मुझे तो जैसे मुझे भूल गया था कि ये आई बिन थ्रू ऑल दिस पेन एंड तकलीफ, अल्लाह ताला भुला देते हैं आपको। इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग टू बिकम अ मदर, बट इट्स वेरी वेरी पेनफुल। आई मीन 3 से 4 रातें मुझे मुसलसल नींद नहीं आती, फिर बेहोश होके मैं सोती हूँ बड़ी मुश्किल से, देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू द लू अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन। और खैर उसमें कोशिश करती हूँ कि अपने आप को बिजी रखूँ चीज़ों में, खाना बना लिया, बच्चे की शॉपिंग कर ली, बच्चों के साथ बिजी रखा, बट अपनी माँओं का बहुत ख्याल रखें। इस सारी प्रेगनेंसी में पहले भी था लेकिन अब कुछ ज़्यादा मुझे ये ख्याल हो रहा है कि हमारी माँओं ने कितनी तकलीफ़ें काटी हैं, हम उनका हक नहीं अदा कर सकते। एक दिन का मैं कहती हूँ, 1 घंटे का हक नहीं अदा कर सकते। बहुत रिस्पेक्ट करें अपनी माँओं की, और आगे जब आपके बच्चे भी बड़े हों, एंड आई होप एंड प्रे कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो ये तकलीफ है, जो ये 9 महीने हैं, नॉट ईजी फॉर एनी वुमेन, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, गोरी है, कोई भी है, बड़ा दर्जा है माँ का, बहुत रुतबा है माँ का। सो आई थॉट आई शेयर दिस विद यू। अब तक आप लोगों को पता लग गया होगा कि अल्लाह ताला ने मुझे तीसरे औलाद से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आफ्टर द बेबी आई विल अपलोड दिस, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह पोस्टमार्टम का भी थोड़ा डालूंगी, क्या फील कर रही हूँ, क्या नहीं फील कर रही हूँ। अपनी दुआ में याद रखें, और जो भी आपके इर्द गिर्द या आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं आई कैन फील योर पेन एंड यू कैन डू इट, बस हिम्मत रखें, यू विल बी ब्लेस्ड। बहुत ख्याल रखें, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।